देख रहे हैं सिटी इंडिया न्यूज चैनल हक की आवाज। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हाफिज़ अहमद अकरम अब्बास आप सभी का सिटी इंडिया टीवी के खसूसी प्रोग्राम माह रबीउल अव्वल में इस्तकबाल करता हूँ। रबीउल अव्वल ये नाम सुनते ही हमारे जहनों में एक ऐसी शख्सियत का तस्किरा छिड़ जाता है जिसको हम और आप रहमतुल लिल आलमीन के नाम से जानते हैं, हम और आप जिसके आखिरी उम्मती हैं, मेरी मुराद प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। आज सीरत हयात तय्यबा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हयात तय्यबा पर कायराना नज़र डालने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है शहर हैदराबाद के मशहूर व मारूफ शख्सियत नौजवान आलिम दीन, मेरी मुराद हाफिज़ व मौलाना मोहम्मद इनायतुल्लाह शरीफ हुसामी साहब, कारवान खतीब कारवान टोली मस्जिद व नाज़िम मदरसा नाज़िम तालीमात रियाजुल जन्नत चिंतलमेट। हम हजरत वाला का तहे दिल से इस्तकबाल करते हैं कि आपने अपना कीमती वक्त निकाल कर हमें वह मौका दिया। तो नाजरीन, मैं वक्त को ज़ाया किए बग़ैर, वक्त को बेजा इसराफ़ किए बग़ैर मैं अपने प्रोग्राम के गुफ्तगू को आगे बढ़ाता हूँ हजरत वाला के साथ सवाल जवाबात के सिलसिले से। मैं तमाम दोस्तों से गुजारिश करूँगा कि वो एकजा होकर इस प्रोग्राम से इस्तेफादा करें और आप हमें बताएं, अपनी कीमती राय से भी हमें मुस्तफीद करें कि आपको हमारा ये प्रोग्राम कैसे लगा। तो मौलाना, सबसे पहले मेरा सवाल आपसे ये है कि हमारे कारीन की तरफ से बारहा ये सवाल आ रहे थे कि ऐलान नबूवत से पहले भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सादिकुल अमीन कहकर क्यों पुकारा जाता था, अलकाब से क्यों पुकारा जाता था? अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू, नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद। मोहतरम सामीन और सामियात, हज़रात नाज़रीन इकराम, रबीउल अव्वल का ये महीना है और ये सवाल सामने आया है कि अल्लाह के प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ऐलान नबूवत से पहले सादिकुल अमीन के लखब से पुकारा जाता था, इसकी वजह क्या है? इसकी सबसे बड़ी अहम वजह ये है कि हमारे प्यारे आखा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी पर एक तायराना नज़र डालने से ये बात हमें मालूम होती है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश जो एक मौजज़ाना तौर पर हुई थी, फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का बचपना जो मक्के के कुफ्फार की नज़रों में था, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अंदाज़ गुफ्तगू, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खेलने का तरीक़ा, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बड़ों के साथ गुफ्तगू का तरीक़ा, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अखलाक हमीदा, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हुस्न, उनकी खूबसूरती, उनका जमाल और आपके अखलाक सबसे बड़ी चीज़, जिसके बारे में अल्लाह ताला ने फरमाया इन्नका लआला खुलुकिन अज़ीम, अखलाक के सबसे बड़े आला पैमाने पर हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम थे। और आपका बचपना आम मामूली बच्चों के बचपने के जैसा नहीं था, लोग आपको देखते तो बे इंतहा खुश होते, हर मक्के का आदमी ये चाहता कि काश हमारे घर में भी ऐसी औलाद होती, ऐसा एक मासूम और ख़ूबसूरत बच्चा होता, हमारे घर में भी ऐसे अखलाक आपके थे। बड़ों के साथ गुफ्तगू का तरीक़ा, उनके साथ उठने बैठने का तरीक़ा, उनके साथ मामलात का तरीक़ा इतना प्यारा था कि अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने अपनी पूरी ज़िंदगी में और ख़ुसूसन अपने बचपने में कभी किसी के साथ बदतमीज़ी नहीं की, ना ही किसी बच्चों के साथ, ना ही किसी बड़ों के साथ। अल्लाह के प्यारे नबी अलैहिस्सलाम बड़ों का पूरा अदब और एहतराम करते थे और अपनी ज़िंदगी में कभी झूठ नहीं बोलते थे। कभी अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने किसी को धोखा नहीं दिया, कभी अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने किसी के साथ गंदी गुफ्तगू नहीं की, अल्लाह के प्यारे नबी अलैहिस्सलाम ने किसी को बुरा भला नहीं कहा, किसी को डांटा नहीं। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम लोग अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम इतने अमानतदार थे कि काफिर लोग भी अपनी अमानतें लाकर प्यारे नबी अलैहिस्सलाम के पास रखते थे।
काफिरों को, कुफार मक्का को अपनी अमानतें, अपने घर की कीमती चीज़ें घरों में महफूज नज़र नहीं आती थी, तो अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम के पास लाकर रखते थे। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम लोगों की अमानतें, उनके सोने चांदी, उनकी दौलत अपने पास पोटलियों में रखकर उस पर नाम लिखकर रख देते थे कि ये फ़लाँ की अमानत है, ये फ़लाँ की अमानत है। कभी उसमें खयानत नहीं की अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने। मक्के के काफिर अपनी अमानतें प्यारे रसूल अलैहिस्सलाम के पास रखा करते थे नबी बनने से पहले। ये नबी बनने से पहले की बात है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जवानी की बात। और अल्लाह के नबी ने अपनी पूरी ज़िंदगी में कभी किसी से झूठ नहीं बोला। तिजारत की तिजारत में झूठ नहीं बोला, मामलात किए मामलात में कभी झूठ नहीं बोला। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने लोगों के साथ उठते बैठते, उनके साथ गुफ्तगू करते, पूरी ज़िंदगी में कभी झूठ नहीं बोला। झूठ के बारे में लोग सोच भी नहीं सकते थे, इतने बेहतरीन अखलाक। हर बंदा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को से गुफ्तगू करने को पसंद करता, उनके साथ बैठने को पसंद करता, उनके साथ दोस्ती करने को पसंद करता, उनके साथ तिजारत करने को पसंद करता। ऐसे अखलाक हमीदा हमारे प्यारे नबी अलैहिस्सलाम के पास थे कि हर काफिर हर मुशरिक आपको देखकर खुश होता। कोई भी ये नहीं कह सकता था कि ये बंदा, ये इंसान जो है, ये मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है, उनके अंदर फलां ऐब है या ये ऐब है या ये खराबी है, कोई कुछ नहीं कह सकता। मक्के के सारे काफिर, सारे मुशरिक, सारे ताजिर, सारे सरदार मक्के के, मुशरिकों के सरदार मक्के के, मक्के की सारी औरतें, मक्के का हर किस्म का बदमाश से बदमाश किस्म का आदमी भी अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम की इज्जत करता था, उनका एहतराम करता था, उनको सादिक कहता था कि इस बंदे ने अपनी 25 साल 40 साल जिंदगी में कभी इन्होंने झूठ नहीं बोला, कभी किसी को इन्होंने धोखा नहीं दिया, कभी किसी की अमानत में खयानत नहीं दी। सादिकुल अमीन इसीलिए कहा जाता था अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को। बहुत सारी वजूहत, एक वजह यह भी है कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने मक्के के नौजवान दोस्तों के ऐब जानते थे, उनकी बुराइयां जानते थे, लेकिन कभी किसी के सामने उनकी बुराई को बयान नहीं करते थे, उसकी भी अमानत करते थे, उसको भी अपने अमन में रखते थे, कभी किसी के साथ उसको शेयर नहीं करते कि फलां के अंदर ये बुराई है, फलां के अंदर ये खराबी है, फलां आदमी के अंदर चोरी की आदत है, उसके अंदर ये खराब आदत है। कभी किसी की बुराई अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने नहीं की, हर एक के ऐब की हिफाजत की, उनके बुराइयों को छुपा के रखा, लोगों की नज़रों से पर्दे में रखा। और एक बहुत मशहूर वाकया है मक्के का कि मक्के के सारे सरदार एक मरतबा जमा हो गए, खाने काबा की इमारत का मौका था, खाने काबा की तामीर हो रही है, और हजरे असवद को उठाकर, जो हजरे असवद जन्नत से आया जिसके बारे में किताबों में बात मिलती है, हजरे असवद को उठाकर खाने काबा की दीवार में लगाने का मसला पेश आ गया। उस वक्त में हुआ ये कि सारे मक्के के सरदार खड़े हो गए, कबीले के बड़े लोग खड़े हो गए, हम इस पत्थर को उठाकर मक्के की तामीर में रखने का शर्फ हासिल करेंगे। वो कबीला बोलता कि हम शर्फ हासिल करेंगे। सारे कबीलों में आपस में झगड़ा हो गया, ना इत्तेफाकी हो गई। बात यहां तक पहुंच गई कि ये लोग तलवारें निकालकर लड़कर एक दूसरे के खून बहाने पर आमादा हो गए, तैयार हो गए। एक बहुत बड़ा फसाद मक्के के लिए खड़ा हो गया था। उस वक्त में अल्लाह के प्यारे नबी अलैहिस्सलाम वहां पर आए, सारे लोगों ने जब उनको देखा तो ये सादिकुल अमीन है मक्के के प्यारे नबी अलैहिस्सलाम, अभी इनको नबुवत नहीं मिली, ऐलान नबुवत अभी नहीं हुआ, ये सादिकुल अमीन है, सच्चे नौजवान है, शरीफ है, पाकीजा है, मुत्तकी है, तहारत और पाकीजगी की जिंदगी इन्होंने गुजारी, इनकी आंखें बदनजरी से बेहयाई से पाक है, अखलाक के एतबार से सबसे अशरफ है, सबसे आला है, सबसे बड़ा मुकाम इनका है, इनके अंदर कोई ऐब नहीं है। लिहाजा सारे मक्के के सरदारों ने, कुफार मक्का के सरदारों ने, मुशरिकीन ने यह फैसला किया कि मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो फैसला करेंगे हम उस फैसले पर राजी होंगे, हम उसके बाद किसी के खिलाफ नहीं जाएंगे, झगड़ा नहीं करेंगे। तो उस वक्त में अल्लाह के प्यारे नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फैसला फरमाया कि ऐसा करेंगे कि एक बड़ी चादर के अंदर जो है उस पत्थर को रखा जाएगा, सारे कबीले के लोग चार तरफ से उसके कोने पकड़ेंगे, और उठाकर खुद अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने उस पत्थर को उठाकर खाने काबा की दीवार में शामिल कर दिया। यानी नबूवत का ऐलान करने से पहले अल्लाह के नबी का यह मुकाम था लोगों की नजरों में कि एक जंग होने वाली थी, खून खराबा होने वाला था उस पत्थर को रखने के बारे में। उस वक्त में अल्लाह के नबी के फैसले पर ये लोग राजी हो गए। क्यों राजी हुए? इसीलिए कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पूरी नबूवत से पहले की 40 साल की जिंदगी तहारत और पाकीजगी से गुजरी थी। किसी पर जुल्म उन्होंने नहीं किया था, किसी को धोखा उन्होंने नहीं दिया था, कभी झूठ उन्होंने नहीं बोला था, लोगों की अमानतें उनके पास रहती थी। मक्के के सबसे ज्यादा मुशर्रफ, सबसे ज्यादा अफजल, सबसे ज्यादा मुत्तकी, सबसे ज्यादा तहारत रखने वाले शख्सियत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम थे। इसी वजह से लोग उनके फैसले पर मुत्तफिक थे और उनको सादिकुल अमीन का लखब लोगों ने इसीलिए दिया था। बेशक
मौलाना कबल इसके के मैं प्रोग्राम के सिलसिले को आगे बढ़ाऊं, तो अब हो वक्त हो चला है एक मुख्तसर से वक्फे के का। वक्फे के बाद हम फिर हजरत वाला के साथ सवाल और जवाब का सिलसिले को जारी रखेंगे। तब तक आप कहीं जाइएगा नहीं, देखते रहिए सिटी इंडिया टीवी का न्यूज़ का चैनल हक की आवाज़। कारोबार, तिजारती इदारे, स्कूलों, कॉलेज की बेहतर तशहीर या एडवर्टाइजमेंट चाहते हैं तो हमारे वाहिद रियासती उर्दू और तेलुगु टीवी चैनल सिटी इंडिया न्यूज़ पर इश्तहार दें। हमारे चैनल के प्रोग्राम हैदराबाद के दोनों शहरों में केबल नेटवर्क्स आईजे नेटवर्क को चॉइस नेटवर्क के चैनल नंबर 33 और 50 पर और महबूब नगर और रियासत के दूसरे अजला में सिटी डिजिटल के सेटोबॉस के चैनल नंबर 22 पर टीवी पर देखे जा सकते हैं और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम और हमारे मोबाइल ऐप सिटी इंडिया न्यूज़ ऐप और हमारे वेबसाइट पर सारी दुनिया में हमारे प्रोग्राम देखे जाते हैं। तो देर किस बात की, स्क्रीन पर नज़र आ रहे हमारे फ़ोन नंबर पर रब्त करें और फौरन अपना इश्तहार बुक करवा लें। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नाज़रीन, वक्फे के बाद मैं हाफिज़ अहमद अकरम अब्बास आप सभी का सिटी इंडिया टीवी के खुसूसी प्रोग्राम माहे रबीउल अव्वल में इस्तकबाल करता हूँ। वक्फे में जाने से पहले हमने मौलाना से सवाल किया था कि ऐलान नबूवत से पहले आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सादिकुल अमीन कहकर क्यों पुकारा करते थे, जिस पर अल्हम्दुलिल्लाह हज़रत वाला ने बड़ी तफसील से बड़े कायराना अंदाज में खूब बड़ी रोशनी डाली। अब हम प्रोग्राम के सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए दूसरे सवाल की तरफ बढ़ते हैं। मौलाना, हमारे नाज़रीन की तरफ से एक और सवाल ये भी आया था कि ऐलान नबूवत से पहले आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जो सादिकुल अमीन का लकब दिया जा गया था कुफार मुशरिकीन के तरफ से, ऐलान नबूवत के बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ कुफार मक्का का क्या रवैया था, मतलब आपके हालात कैसे थे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नाज़रीन इकराम, ये जो सवाल है, ऐलान नबूवत से पहले अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बहुत ज़्यादा इज़्ज़त और एहतराम मक्के में था, लेकिन जब अल्लाह के प्यारे नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अपनी 40 साल की ज़िंदगी में जो खिदमत की थी लोगों की, जो लोगों से मुआमलात किए थे अल्लाह के प्यारे रसूल अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने, लोगों की नज़रों में जो मुकाम और मर्तबा बनाया था, 40 साल तक लोगों की खिदमत करते रहे, लोगों के बोझ उठाते रहे, मिस्कीनों को खिलाते रहे, मोहताजों की मदद करते रहे और ग़रीब लोगों की मदद करते रहे, बेवाओं, मिस्कीनों, मोहताजों के साथ अल्लाह के प्यारे नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने एक लंबी ज़िंदगी गुजारी। मक्के में एक बड़ा मुकाम बन गया, लोगों की नज़रों में इज़्ज़त अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बढ़ गई। उसके बाद अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने 40 साल तक यही किया अल्लाह के नबी ने। 40 साल के बाद जब एक बड़ा मुकाम अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का बन गया लोगों की नज़रों में, उनके दिलों में, उस वक़्त में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हुक्म दिया कि नबी होने का ऐलान करना है, नबी नाजिल हो गई। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब नबी होने का ऐलान किया तो 40 साल तक जो मुकाम और मर्तबा बना हुआ था अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम का, उस पर उंगलियां उड़ने लगीं। सारे कुफार मुशरिकीन, सारे मक्के के लोग अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के मुखालिफ हो गए।
सब लोगों ने आप पर जुल्म करना शुरू कर दिया, मजालिम का सामना हुआ, तशद्दुद किया, अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम के मानने और चाहने वालों पर जुल्म किया, उनके ऊपर कोड़े बरसाए, उनको जो है सो गर्म रेतियों पर लिटाकर उनके सीनों पर बड़ी बड़ी चटाने रख दी गई सहाबा इकराम की, और अल्लाह के प्यारे नबी अलैहिस्सलाम को तो इतनी तकलीफ दी गई, इतना सताया गया, लोगों ने यूँ कहा कि ये जादूगर हैं, नबी नहीं हो सकते, ये बड़े शायर है, अपनी ज़ुबान के सहर से, जादू से लोगों को मुतासिर कर रहे हैं, उनके खलूब को अपनी तरफ खींच रहे हैं, उनको तस्खीर कर रहे हैं। लोगों ने यह भी कहा कि आप कज़्ज़ाब हैं, झूठे हैं। लोगों ने यह भी कहा कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जिन का असर है। लोगों ने यह भी कहा कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम माल के लिए सब कर रहे हैं। लोगों ने यह भी कहा कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्के की बड़ी औरतों से शादी करना चाहते हैं, नऊज़ बिल्लाह मिन ज़ालिक, इसलिए ये सब कर रहे हैं। तरह तरह के लोगों ने ताने कसे, यहाँ तक कि खुद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रिश्तेदार, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ख़ानदान के करीबी लोग भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुखालिफ हो गए। यहाँ तक कि जिस रास्ते से अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गुजरते वहाँ पर लोग उनको सलाम करते थे, अब लोग उनके ऊपर कचरा डालने लगे, लोग उनके रास्तों में कांटे फेंकने लगे, लोग आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मजनून, साहिर, गाली गलौज के अल्फाज के ज़रिए पुकारने लगे, लोग आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की चादर पकड़कर खींचने लगे, लोग आपको धक्का देने लगे, आपके बाल खींचने लगे, पकड़कर सताने लगे, तकलीफ देने लगे लोग, इतनी तकलीफ कि आपके बाल पकड़कर खींचते, आपके दाढ़ी के बाल पकड़कर खींचते, इतनी जोर से खींचते कि आपके बाल उखड़ जाते, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वो बाल, जिस बालों का ये मुकाम कि जब मदीने के अंदर लोगों को पता चला कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मुंह मुबारक किसी के पास है, तो उसके पास लोग अपने बर्तन लेकर जाते, पानी लेकर जाते और कहते कि भाई आपके पास अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम का मुंह मुबारक है, ये पानी है, इसके अंदर उसको घोल दीजिए, हमारे घर में बीमार है, हम ले जाकर उसको पिलाएंगे। हदीस शरीफ के अंदर ये बात आपको मिलती है। तो वो हजरत उम्मुल मोमिन रज़ियल्लाहु अन्हा उन बालों को, उन मुंह मुबारक को निकालकर उस पानी में घोल देती, तो वो पानी ले जाकर बीमारों को पिलाया करते थे, लोग उससे उनको शिफा मिलती थी। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम अगर कहीं पर थूक देते तो उसको जमीन पर गिरने से पहले लोग अपने हाथों में उठा लेते और अपने चेहरों पर मल लेते। अल्लाह के प्यारे नबी अलैहिस्सलाम वजू करते तो उनके पानी के खतरों को नीचे गिरने से पहले, कुल्ली करते तो उसको पानी के खतरों को नीचे गिरने से पहले लोग उठाकर अपने जिस्मों के ऊपर मल लेते थे, इतनी मोहब्बत करते थे अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम। उनकी चादर मिल गई तो उसको चूमने पर फख्र महसूस करते थे, अल्लाह के नबी थूक भी दें तो उसको उठाकर अपने चेहरों पर मल लेते थे लोग, इतनी मोहब्बत अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से करते थे। तो अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम के तकलीफ भी इतनी पहुंचाई कि लोग उनके बाल छीनने लगे, बालों का ये मुकाम के बीमारों को शिफा मिल रही है, थूक का ये मुकाम के लोग अपने जिस्मों पर मल रहे हैं, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जिस्म से टपकने वाले पानी के खतरों को लोग अपने जिस्मों पर मल रहे हैं, एक दूसरे से लड़कर सबकत करके जाके उसको जो है सो पानी के खतरों को हासिल कर रहे हैं, आपके ज़ात का ये मुकाम है। लेकिन मक्के के काफिरों ने कैसा सताया उसी ज़ात को, उसी प्यारे रसूल अलैहिस्सलाम को। आप एक रास्ते से गुजर रहे हैं, नमाज पढ़ने के लिए खड़े हुए हैं मक्के में, इमामुल अंबिया सरवर कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज पढ़ने के लिए खड़े हुए हैं, उकबा नाम का एक बंदा आता है, काफिर है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गर्दन में रस्सी डालकर इतनी जोर से खींचता है चादर डालकर कि यहां पर आपको घसीटा लग जाता है और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खाल उखड़ जाती है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सजदे में हैं, अबू जहल ने एक आदमी को चढ़ा दिया, वो बंदा गया जाकर के जो है सो ऊंट की जो ओजड़ी होती गंदगी, वो गंदगी उठाकर लाकर अल्लाह के प्यारे नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के पुश्त मुबारक पर रख दिया, पीठ पर रख दिया, जिस पुश्त को लोग चूमना भी, चूमने के लिए तड़प जाते थे जिंदगी भर, आपके हाथ से हाथ मस करने को तड़प जाते थे लोग जिंदगी भर, ऐसी जात अकदस पर मक्के के लोगों ने ऐलान नबूवत के बाद, जैसे ही ऐलान नबूवत किया उसके बाद ये सारे मजालिम शुरू हो गए। ऐसे मजालिम के ऊंट की गंदी ओजड़ी लाकर आप पर डाल दी गई, आपके बाल नोच दिए गए, आपको कुफ्फारे मुशरिक आपके ऊपर हमला करके आपको पीटने लगे, अल्लाह के प्यारे नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम को इतनी ज़ोर से मारने लगे कि आप नीचे गिर गए, इतनी ज़ोर से एक बार मारा कि आप बेहोश हो गए, किसी के दरवाजे पर जाते तो वो दरवाज़ा इतनी ज़ोर से पटकता अल्लाह के प्यारे नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के चेहरे पर आकर पेशानी पर दरवाज़ा लग गया, इतनी तकलीफ पहुँचाई अल्लाह के नबी को। बाजार से गुजरते तो गंदी तरकारियाँ आप पर फेंकी जाती, आप जो है सो किसी को दीन की दावत देने के लिए जाते तो लोग आप पर थूक देते, नऊज़ बिल्लाह मिन ज़ालिक,
आपकी दाढ़ियां पकड़ कर खींचते थे, इतना सताया जैसा कि किसी गांव में एक पागल आदमी है, मजनून है, उसको बाज़ बच्चे अपनी तसल्ली के लिए, अपना दिल बहलाने के लिए उस पर पत्थर फेंकते हैं, उसके कपड़े खींचते हैं, फाड़ते हैं। इस तरीके से सताया अल्लाह के प्यारे नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम को। हद ये हुई कि एक मरतबा हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु अल्लाह के नबी को बचाने के लिए गए तो काफिर उनके ऊपर टूट पड़े और इतना उनको मारा कि बेहोश हो गए हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु। ये तकालीफ का सामना बर्दाश्त करना पड़ा। जब मक्के के लोगों से बेजार हो गए तो ताइफ की तरफ गए अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हो सकता वहां पर कोई मेरी खदर कर ले, हो सकता वहां पर कोई मेरी वहदानियत वाली बात को मान ले। लेकिन वहां के तीन बड़े सरदार थे, उन लोगों के सामने दीन की दावत पेश की तो उन लोगों ने क्या जवाब दिया? एक ने यह कहा कि क्या पूरे मक्के में आप ही मिले अल्लाह को नबी बनाने के लिए? इतनी बड़ी बात कही थी ना, उज़बिल्लाहि मिन ज़ालिक। एक ने यह कहा कि मैं बड़ा मालदार हूं, मैं खूबसूरत हूं, मैं सरदार हूं, मेरी यहां पर चलती है, अल्लाह ताला अगर चाहते तो मुझे भी नबी बनाते, तुमको क्यों नहीं, मुझे क्यों नहीं बनाया अल्लाह के नबी ने, क्या आप ही मिले थे? ये मक्के के तीन, ताइफ के बड़े तीन सरदारों ने ये बातें कही अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से। आपका दिल बड़ा दुखा, बड़ी तकलीफ में थे, बड़े रंजो गम में थे। मक्के के लोग अलग मजालिम, ताइफ के लोग अलग सताए। फिर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वहां से निकले। जब ताइफ से बाहर जाने लगे तो मक्के के सरदारों ने खदशा जाहिर किया कि कहीं ये ताइफ में फिरकर लोगों में दीन की दावत ना दे। इसीलिए जो है सो ताइफ के बदमाश किस्म के नौजवानों को अल्लाह के प्यारे नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के पीछे लगा दिया। उन लोगों ने क्या किया, थालियां पीट पीट कर, ढोल को पीट पीट कर, चीख कर, चिल्ला कर पूरे ताइफ के लोगों को जमा किया। ताइफ के सारे लोग आ गए, सड़क के किनारे इधर और उधर लोग खड़े हुए हैं, बीच से अल्लाह के प्यारे नबी अलैहिस्सलाम गुजर रहे हैं और इन अवबाश लोगों ने, नौजवानों ने पत्थर उठा उठा कर अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम के ऊपर मारा, घुटनों पर मारा, पिंडलियों पर मारा। आपकी पिंडलियां फट गई, जख्मी हो गई, घुटनों से खून निकलने लगा अल्लाह के प्यारे नबी अलैहिस्सलाम का। वो खून अगर एक भी खतरा जमीन पर गिर जाता, अल्लाह की कसम जमीन पर कयामत आ सकती थी। लेकिन उस खून को बहाया काफिरों ने, अल्लाह के नबी को इतना सताया कि इतने पत्थर मारे कि एक पत्थर मारते तो तकलीफ से नीचे बैठ जाते अल्लाह के नबी। तो फिर वो काफिर आते, आकर अल्लाह के नबी के मुंडे पकड़कर उठाते, फिर आगे ढकलते, फिर से पीछे से पत्थर मारते। इतने पत्थर मारे कि खून बहते बहते जूतियों के अंदर उतर गया और आपकी जूतियां चिपक गई खून से। अल्लाह के प्यारे नबी अलैहिस्सलाम किसी तरह वहां से बच के निकले और एक बाग में जाकर आराम किया, वहां पर बेहोश हो गए। जब होश में आए तो देखा कि सामने हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलातु वस्सलाम खड़े हुए हैं। हजरत जिब्राइल ने अर्ज किया कि या रसूल अल्लाह, ये पहाड़ों का फरिश्ता है, आप हुक्म दें, इन लोगों ने जो आपको तकलीफ पहुंचाई, आपका दिल दुखा हुआ है, आपके रंज के अंदर मुब्तला है, आप अल्लाह देख रहा है आपके साथ क्या हो रहा है, आप हुक्म दीजिए तो ये पहाड़ का फरिश्ता दोनों पहाड़ों को इस तरह मिला देगा कि ताइफ की बस्ती को दोनों पहाड़ों के बीच में मसल के रख देगा, आप हुक्म दीजिए। तो अल्लाह के प्यारे नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, अल्लाहुम्मा अग़फिर क़ौमी फ़इन्नहुम ला यालमून, अल्लाह मेरी कौम को बख्श दे। जब अल्लाह के नबी ने दोनों हाथ आसमान की तरफ उठाए, उस वक्त तक मालूम नहीं था लोगों को क्या कहने वाले हैं अल्लाह के प्यारे नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम। नबी जब रंज में बद्दुआ कर दे तो उसके बाद सारी नस्लें उनकी तबाह हो जाती है, रुए जमीन पर क़यामत बर्पा हो जाती है। नूह अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने बद्दुआ दी, अल्लाह ने पानी का ऐसा अजाब भेजा, सारी दुनिया को गर्क कर दिया पानी के अंदर। जब भी नबी बद्दुआ करते हैं तो आसमानों से बिजलियां गिरकर लोगों की बस्तियों को जला दी, फरिश्तों की चीखें जमीन पर उतरी। जब कोई किसी नबी ने बद्दुआ दी तो आसमान से जो है सो अंगार बरसे, पत्थर बरसे, जमीनों को आसमान तक उठाकर उल्टा पलट दिया गया। यह नबी के बद्दुआएं थी। हमारे नबी तो नबियों के सरदार, इतना बड़ा मुकाम इमामुल अंबिया, जब ये हाथ उठाए तो लोग ये समझे कि सामने वाले कि आप बद्दुआ देंगे। लेकिन अल्लाह के प्यारे नबी अलैहिस्सलाम, आपने कहा रहमतुल लिल आलमीन, इतने सारे आलम के लिए रहमत बनाकर भेजे गए थे, इतने रहम दिल थे कि आपने ये दुआ फरमाई, ऐ अल्लाह मेरी कौम को माफ़ कर दे, इन लोगों को मेरे बारे में पता नहीं, मुझे उम्मीद है अल्लाह इनकी नस्लों में जिन लोगों को आप पैदा करेंगे, हो सकता वो मेरे ऊपर दीन कबूल कर ले, मेरा इस्लाम कबूल कर ले और आपकी वहदानियत तक आ जाए, लिहाजा इनको बख्श दे, इनको माफ़ कर दे अल्लाह। इतने मजालिम के बावजूद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हाबिया थी, उनको जो है सो उनके दोनों पैरों को ऊंटों से बांधकर एक ऊंट को इधर भगा दिया गया, एक ऊंट को इधर बहा दिया गया, बीच में से चीरी गई वो औरत, एक मासूम जात, एक मासूम कली औरत जिसको कहा जाता है, हजरत सुमैया रजी अल्लाह तआला अन्हा, उनको बीच में से चीर दिया गया। इतना जुल्म अल्लाह के नबी ने बर्दाश्त किया। एक सहाबी को गर्म आग के अंगारों पर लिटा दिया जाता, उनके ऊपर खड़े हो जाते काफिर, वो अंगारे बुझ जाते, उनका खून टपक टपक कर, उनके जिस्म की चर्बी टपक टपक कर खून, अंगारे बुझ जाते, इतनी देर तक उनको लिटा दे। इतना सताया बे इंतहा,
اس مختصر سے وقت میں اعلان نبوت کے بعد جو حالات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر آئے ہیں ان حالات کو بیان کرنا ناممکن ہے۔ میں نے ایک طائرانہ اڑتی ہوئی ایک نظر میں نے آپ کے سامنے رکھی ہے، جو حالات اللہ کے پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے اوپر آئے تھے، اس کے باوجود بھی اللہ کے پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے صبر سے کام لیا، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے حکمت سے کام لیا، استقامت پر رہے۔ اللہ کے نبی کے صحابہ بھی استقامت پر رہے۔ ایک صحابیہ تھی، وہ کسی کافر کے سردار کے پاس جو ہے سو غلام تھی، نوکر تھی، انہوں نے اسلام قبول کر لیا۔ تو اس نے یہ کہا کہ اگر تو اسلام سے باز نہیں آتی، اسلام کو نہیں چھوڑتی، پیارے نبی کے دین کو نہیں چھوڑتی، تو میں تجھے ہٹا دوں گا، نکال دوں گا، دھمکیاں دی۔ اس نے جب بات کو نہیں مانا تو اس نے جو ہے سو ایک اونٹ کی ہڈی لے کر اس کے سر پر اتنا زور سے مارا ان صحابیہ کے کہ ان کی آنکھوں کی بینائی چلی گئی۔ اتنا ظلم کیا، بے انتہا ظلم کیا گیا اللہ کے پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام پر اور ان کے ماننے والوں پر۔ پھر بھی اللہ کے نبی نے اور اللہ کے نبی کے چاہنے والوں نے، ماننے والوں نے نہ اسلام سے روگردانی اختیار کی، نہ توحید کے پیغام کو چھوڑا، نہ اللہ کے سامنے سجدہ کرنے کو چھوڑا، نہ صبر کو چھوڑا، نہ استقامت کو چھوڑا، استقامت کے ساتھ دین پر عمل پیرا ہوئے۔ یہی پیغام سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ہم کو ملتا ہے کہ سب سے بڑی چیز ہماری زندگیوں میں صبر آنا چاہیے، چاہے انسان کی زندگی پر کتنے بھی ظلم ہو، حکومت کی طرف سے ظلم ہو، سیاست کی طرف سے ظلم ہو، معاشی اعتبار سے ظلم ہو، تنگیاں ہوں گھروں کے اندر، بیماریاں ہوں، ہر چیز میں جو ہے سو صبر کرنا چاہیے۔ خاندانی آپس کے جھگڑے ہوں اس میں بھی صبر کرنا چاہیے، ہر چیز میں صبر کر کے استقامت کے ساتھ اللہ کے دین کو تھامے رہیں، اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے رہیں۔ سیرت سے ہم کو یہی سبق ملتا ہے کہ ہم جو ہے تو صبر کے ساتھ کام لے۔ کیوں؟ اس لیے کہ صبر کرنا یہ انسان کی فطرت نہیں ہے، صبر کرنا یہ نبیوں کی فطرت ہے، صبر کرنا یہ نبیوں کی صفت ہے۔ جس کے اندر صبر کی صفت آ گئی اس کے اندر نبیوں کے صفات میں سے ایک صفت آ گئی۔ تو صبر اتنی بڑی چیز ہے کہ کسی کو معاف کرنا آسان نہیں ہے، کسی سے لڑ لینا، کسی سے جھگڑ لینا۔ ہمارے لوگ تو اتنے کمزور ایمان کے ہوتے ہیں کہ پارکنگ میں جا کے لوگ جھگڑ لیتے، گاڑی کا دھکا لگ گیا لوگ جھگڑ لیتے، گاڑی رکی ہوئی ہے راستے میں سگنل پر، پیچھے سے آ کے کسی نے ہلکا سا دھکا لگ گیا، لوگ اتنا جھگڑ لیتے ہیں، ایک دوسرے کو مار لیتے ہیں۔ ایک صاحب ہیلمٹ سے اتنی زور سے کسی کے سر پہ مارے کہ اس کا ہیلمٹ توڑ گیا، ایک سگنل پہ میں نے جو دیکھا وہ بات کو بتا رہا ہوں۔ پارکنگوں میں ہمارے مسلمان ایک دوسرے سے لڑ پڑتے ہیں، پڑوسیوں سے لڑ پڑتے ہیں، رشتہ داروں سے لڑ پڑتے ہیں، بڑوں کا ادب نہیں ہے، احترام نہیں ہے۔ اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری زندگی اخلاق کا ایک اعلیٰ نمونہ تھا، اخلاق حمیدہ کا ایک اعلیٰ نمونہ تھا، جس کو اللہ تعالیٰ نے انک لعلی خلق عظیم سے یاد کیا، قرآن کریم کے اندر بیان کیا۔ وہ اخلاق حمیدہ ہمارے اندر بھی آنا چاہیے۔ سیرت کا ایک پیغام سب سے بڑا یہی ہے کہ پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے اخلاق کو سن کر نہیں، بلکہ اس کو سن کر اس پر عمل کرنے کی یہ زمانے میں ضرورت ہے، سن کر اس کو چھوڑ دینا نہیں ہے۔ جنہوں نے اللہ کے نبی کے سر مبارک پر جس پر وحی اترتی تھی کچرا پھینک دیا تھا، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام وہ عورت جب بیمار پڑتی ہے تو اس کی عیادت کے لیے چلے گئے، جو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو کافر، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو یہ بولتی تھی کہ یہ ہمارے دین سے ہٹ گیا، اس کی بات کو مت سنو، میں مکہ چھوڑ دوں گی۔ ایک بوڑھی عورت مکے کے باہر نکل کر بستی کے سامان لے کر کھڑی ہوئی ہے، واقعہ مشہور ہے، سب لوگ سنتے ہیں، بیان کرتے ہیں سیرت کے موقع پر۔ بوڑھی عورت اپنا سارا سامان لے کر مکے کے باہر کھڑی ہوئی ہے، ادھر سے پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام آئے، پوچھا کہ اماں کیا کام ہے؟ اللہ کی عورت نے عرض کیا کہ یہ سامان ہے بیٹا، تو مزدور ہے کیا؟ انہوں نے فرمایا کہ ہاں، آپ کا کیا خدمت ہے بتائیے، میں خدمت کرنے کے لیے تیار۔ تو اس عورت نے کہا کہ یہ سامان اٹھا کر مکہ چھوڑ کر فلاں بستی میں جا رہی ہوں، وہاں پر چلنا ہے۔ اس کا سارا سامان اپنے سر پر رکھا اللہ کے پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے، جس سر پر اللہ رب العزت وحی نازل فرماتے تھے۔ اس سر کا کیا مقام ہوگا ہم اپنی زبان سے بیان نہیں کر سکتے۔ اس عورت کا بوجھ اپنے سر پر اٹھایا اللہ کے پیارے نبی، اور وہ سارا رستہ پیدل چل رہے ہیں، اور وہ عورت اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو گالیاں بک رہی ہے، ان کی مخالفت میں بول رہی ہے۔ مکے میں ایک جادوگر ہے، اس کا نام محمد ہے، مکے میں ایک فلاں آدمی آ گیا ہے جو لوگوں کو لڑا دیتا ہے، مکے میں ایک محمد نامی آدمی آیا ہے جو دین سے پھر گیا ہے، مکے میں ایک محمد نامی آدمی آیا ہے صلی اللہ علیہ وسلم جو میاں بیوی کو آپس میں لڑا دیتا ہے، ماں باپ کو آپس میں لڑا دیتا ہے، اولاد کا رشتہ ماں باپ سے ختم کر دیتا ہے۔ پتہ نہیں کیا کیا اس عورت نے پورا رستہ لمبان کہا، اللہ کے پیارے نبی بڑے صبر سے، بڑے استقامت کے ساتھ سنتے رہے۔ جب گھر پہنچے اس کا سامان اتار دیا، اوڑیاں بڑیاں نے کہا کہ بیٹا کچھ مزدوری لے کر جا، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ میں مجھے مزدوری نہیں چاہیے، یہ بھی کوئی کام ہے جس کی میں مزدوری لوں، یہ بھی کوئی کام ہے جس کی میں مزدوری لوں۔ اس عورت نے کہا کہ بیٹا تو بڑا شریف نظر آتا ہے، بڑے اچھے اخلاق والا نظر آتا ہے، بس جاتے جاتے اپنا نام بتا کر جا تو کون ہے؟ تو اللہ کے پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اماں
पूरा रास्ता लंबान जिस मोहम्मद को तुम कोस रही थी, गालियां बक रही थी, वो मैं ही हूँ मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। उस औरत के जिस्म पर रोंगटे खड़े हो गए, उसके दिल के अंदर इस्लाम उतर गया। उसने कहा कि इतना प्यारा, इतने अच्छे अखलाक वाला बंदा, ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप मुझे भी अपने दीन में दाखिल कर दीजिए, मुझे भी इस्लाम की दावत दे दीजिए, कलमा पढ़ा दीजिए। तो अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के सब्र से, इस्तेकामत से, उनके अखलाक से लोग इस्लाम के अंदर दाखिल होते थे। आज वही अखलाक हमको अपनाना है, अपनी जिंदगियों में वो अखलाक लाना है। ये अखलाक हमारे अंदर नहीं, हम रास्ते से गुजरते हैं, कोई आदमी मजबूर नजर आता है, कभी हमने इस सुन्नत पर अमल किया कि अल्लाह के नबी मक्के के बूढ़े माजूरों ज़ईफों की मदद करते थे, उनके बोझ अपने सर पर उठाते थे। हमारा सर तो नालायक है, हमारे सर में आंख है, कान है, सब गुनाहों के अंदर मुलव्वस, इतना गलीज हमारा सर, हमें क्या हो गया कि हम किसी की खिदमत क्यों नहीं करते, हम किसी बूढ़ी की या बूढ़े की या किसी मजदूर की, किसी जो है सो ज़ईफ आदमी की मदद क्यों नहीं करते। रास्ते से गुजरते हुए बहुत सारे लोग हमको दिखेंगे, हमें भी उनका बोझ उठाना चाहिए। यह सीरतुन नबी का दर्स है। हमें जो है सो जो हम पर जुल्म करे, हम उनके साथ हुस्ने सुलूक करें, यह सीरतुन नबी से हमको सबक मिलता है। जो हमारे ऊपर ज्यादती करे, दुश्मनी करे, हम उनसे मोहब्बत से पेश आए, यह सीरतुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हम सबको सबक मिलता है। अल्लाह ताला मुझे भी अमल करने की तौफीक दे, हम सबको अमल करने की तौफीक दे। जी बिल्कुल, आज के इस एपिसोड से नाज़रीन देखा आपने कि आज के इस एपिसोड से हमें इस बात का सबक मिलता है जैसा कि हजरत वाला ने बताया, सब्र का और इस्तेकामत का मामला, और जो परेशान हाल है उनकी मदद करने का मौलाना ने हमें बताया। मैं मौलाना का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने अपना कीमती वक्त निकालकर हमारे साथ यहाँ स्टूडियो में आए और इन सवालात पर, इस मौजू पर अपनी कायराना नज़र डाली। हम आपका तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं, और मैं तमाम दोस्तों का शुक्रिया अदा करना चाहूँगा जो इस वक्त मुझे देख रहे थे। आपको ये हमारा प्रोग्राम कैसा लगा हमें ज़रूर कॉल करें या कॉमेंट कर आप हमें बताएँ। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त, और देखते रहिए सिटी इंडिया न्यूज़ का चैनल हक की आवाज़। जज़ाकअल्लाह खैर, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। हमारी न्यूज़ और एंटरटेनमेंट तमाम प्रोग्राम पसंद आते हैं तो फिर लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आप हमारी हर न्यूज़ और हर एंटरटेनमेंट प्रोग्राम से अपडेट रहें। देखते रहिए सिटी इंडिया न्यूज़, हक की आवाज़।